गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ईमेल क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसको क्रिएट कैसे की, उसका एक जो अकाउंट होता है उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, किसी मैसेज को कैसे रीड किया जाता है, कैसे राइट किया जाता है, फाइल कैसे अटैच की जाती है, कैसे उसको सेंड किया जाता है, और लॉग आउट या साइन आउट तक हमने इसको इसकी सारी प्रोसेस देखी थी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट की कुछ बेसिक एथिक्स के बारे में। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया नेटिक्वेट ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो नेटिक्वेट क्या होता है? द इंटरनेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इनडेफिनेट फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू द वे वन कैन कन्वे इन्फॉर्मेशन टू अनदर पर्सन। दिस इज़ वाई नेटिक्वेट वॉज क्रिएटेड। देखो, इंटरनेट अब एक ऐसा साधन, या बोल सकते हैं कि ऐसा एक कम्युनिकेशन की टेक्निक है जो इनडेफिनेट है, यानी कि कोई भी कहीं से भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नेटिक्वेट को क्रिएट किया गया था। अब ये नेटिक्वेट क्या होता है? द वर्ड नेटिक्वेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, इंटरनेट एंड एटिक्वेट। दीज आर बेसिकली सम गाइडलाइंस ऑफ नॉर्मल एंड गुड बिहेवियर फॉर द इंटरनेट। ठीक है, नेटिक्वेट जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरनेट एंड एटिक्वेट। ठीक है, यहाँ पर एटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार। ठीक है, तो इंटरनेट पर आप जो भी वर्क कर रहे हो वो शिष्टाचार के साथ करना चाहिए, इसलिए यहाँ पर नेटिक्वेट वर्ड का यूज़ किया गया है। यहाँ पर कुछ उसके बेसिक रूल दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट रूल है आपका, वी आर ऑल ह्यूमन इवन ऑन द इंटरनेट, इट्स नॉट नाइस टू हर्ट अदर पीपल्स फीलिंग, नेवर यूज ऑफेंसिव कमेंट्स टू अदर एंड ट्राई टू बी कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि देखो, सारे जो लोग यूज़र्स वगैरह हैं सभी इंसान हैं। ठीक है, सबसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन आप कभी भी कोई गलती से भी ऐसी कोई ऐसी मतलब किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, यानी किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी को कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जो कुछ बोला उनको बुरा लगे, या उनको ये लगे कि मैं मेरे ख़िलाफ़ कुछ बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव यानी कि एक वेल बिहेवियर, यानी कि क्रियात्मक बनना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए। डू नॉट टाइप अ मैसेज इन ऑल अपर केस लेटर, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी शॉर्टिंग। अब देखो, जब भी आप कोई मैसेज टाइप करते हैं, ठीक है, तो कोई भी एक राइटिंग स्किल में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे अपना फर्स्ट लेटर जो लिखा वो अपर केस में लिखा, बाकी जितने भी लेटर लिखे हैं आपने वो लोअर केस में लिखे। ठीक है, तो आप जितने भी, अगर किसी को लेटर लिख रहे हो आप, ठीक है, तो सारे लेटर, सारे जितने भी आप वर्ड्स या लेटर लिखोगे आप, उनको अपर केस में नहीं लिखना। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अपर केस में लिखने का मतलब होता है कि आप उनसे नाराज़ हैं या फिर आप उन पर गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कंसीडर किया जाता है। सेकेंड रूल क्या है? फॉलो द सेम रूल ऑनलाइन दैट यू वुड इन रियल लाइफ। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब है कि आपको वो रूल ऑनलाइन फॉलो करने हैं जो आप चाहते हो कि हमारे साथ भी वैसा ही बिहेव हो, या फिर बोल सकते हैं कि आप जैसे आप रियल लाइफ में हो आप वैसे ही वहाँ पर बिहेव करो, यानी कि कुल मिलाकर आप अच्छा बिहेव करने की कोशिश करें। बी एथिकल एंड डू नॉट जंप टू कंक्लूजन। पीपल हु सर्व द इंटरनेट कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड एंड हैव डिफरेंट व्यूज ऑन थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ दिया गया कि आप एथिकल यानी कि नैतिक रूप से बिहेव करें। ठीक है, आप जल्दी किसी निष्कर्ष पे या किसी रिजल्ट पे ना पहुँचें कि सामने वाला का व्यक्ति बात कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसे क्यों बात कर रहा है, उसकी पूरी बात को सुने, उससे पूरी तरीके से कम्युनिकेट करें। ठीक है, अपनी बात को भी एक एथिकल वे में उसको प्रेजेंट करें। ठीक है, हर व्यक्ति जो इंटरनेट पर वर्क कर रहा है, ठीक है, वो अलग अलग प्लेसेस यानी कि अलग अलग रीजन से आया है, उसकी लैंग्वेजेस अलग हैं, ठीक है, उनका जो कल्चर है वो अलग होता है। ठीक है, तो सबके व्यूज़ यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति गलत हो। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ सही है तो हो सकता है किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ गलत हो। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा ना हो कि कॉन्ट्रोडिक्शन हो जाए, ठीक है, या कन्फ्लिक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और वेल बिहेव करना है। बी ओपन टू लिसन टू अदर्स व्हाट दे हैव टू से। ठीक है, और जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो सबसे बड़ी बात है कि उसको सुनो। ठीक है, यहाँ पर सुनना बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, सुनने के बाद अपने कोई निर्णय लीजिए और उसके बाद अपने विचार वहाँ पर रखिए। थर्ड रूल, हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स व्हेन यू आर ऑनलाइन।
इट्स ओके टू थिंक वाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट बट डोंट एक्सपेक्ट एनी वन एल्स टू एग्री विथ यू। ठीक है, अब देखो थर्ड रूल है आपका कि आप जब भी ऑनलाइन हो किसी से बात कर रहे हो तो आप हमेशा सामने वाले की रिस्पेक्ट यानी इसकी इज्जत कीजिए। ठीक है, अब देखो आप कुछ भी वर्क कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है, या आप कुछ भी अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर किसी से यही उम्मीद रखो कि वो हमारी बात से सहमत हो या एग्री हमारी बात से, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर सामने वाला डिसएग्री है, उसके अपने विचार हैं, तो हो सकता है कि उसमें आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, कुछ अमेंडमेंट ला सकते हो। ठीक है, तो उसकी बात को सुनिए, अगर वो डिसएग्री है तो, ठीक है, उसको अपनी बात कहने का मौका दीजिए। ठीक है, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट नहीं होने दीजिए। फोर्थ रूल है यूटिलाइजिंग इमोटिकॉन्स। अब ये इमोटिकॉन क्या होते हैं? द वर्ड इमोटिकॉन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड इमोटिकॉन एंड आइकॉन। इमोटिकॉन्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ की स्ट्रोक्स दैट फॉर्म अ शॉर्ट पिक्चर रिलेटिव टू एन इमोशन। ठीक है, देखो इमोटिकॉन्स जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, इमोशंस एंड आइकॉन। इमोशंस का मतलब होता है भावनाएं, ठीक है, और आइकॉन का मतलब होता है कोई भी एक प्रतीक, मानकर चलिए सिंबल या जो भी है। ठीक है, तो देखो जैसे आपने देखा होगा व्हाट्सएप या फेसबुक में इमोजीज जो होते हैं, ठीक है, वो भी इमोटिकॉन्स ही हैं। ठीक है, तो ईमेल में हम जो यूज़ करते हैं तो उसका इमोटिकॉन्स कहा जाता है। अगर आप फेसबुक पे या फिर किसी व्हाट्सएप वगैरह पे ऐसी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं तो उसको इमोजीज कहा जाता है। उनमें कुछ सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जैसे किसी का हंसता हुआ चेहरा है, किसी का रोता हुआ चेहरा है, गुस्से वाला चेहरा है। ठीक है, तो अपनी भावना या इमोशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो जब भी आप इमोटिकॉन्स का यूज़ करें तो उसको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप खुश हैं और आपने गुस्से वाली इमोजी भेज दी है, ठीक है ना, तो सामने वाले पर उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। फिफ्थ रूल है आपका नो स्पैमिंग। अब ये स्पैमिंग क्या होता है? इट इज़ कॉमन टू गेट ईमेल मैसेजेस ऑन द इंटरनेट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड पीपल वी नो व्हेन साइट ओनर्स एंड मेल बॉक्सेस आर फ्लूडेड विद अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स ईमेल्स, इट इज़ नोन एज ईमेल स्पैमिंग। देखो अब ये तो बहुत कॉमन बात है, यानी कि आम बात है कि ईमेल आना, ठीक है, ईमेल इनबॉक्स में आते रहते हैं, ठीक है, हम पढ़ते हैं अपना, उसका रिप्लाई भी करते हैं, ठीक है, लेकिन जब किसी भी साइट ओनर यानी कि किसी जिसकी खुद की साइट है, ठीक है, या फिर उसके पास जो मेल बॉक्स है जिसमें इनबॉक्स में मैसेजेस आते रहते हैं, वो अगर भर जाता है, ठीक है, ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है, अति मतलब फालतू के मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, जिसको हमको ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कुछ एडवर्टाइजमेंट वाले मैसेज आते हैं, ठीक है, कुछ प्रमोशंस वाले मैसेज आते हैं, ठीक है, ऐसे मैसेज जब भर जाते हैं तो उसको ईमेल स्पैमिंग कहते हैं, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग मैसेजेस फ्लूडिंग। ठीक है, ये क्या होता है, ये इतना ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब का मतलब, क्योंकि देखो फालतू की चीज़ है कि फालतू के मैसेजेस हैं, इनका कोई भी यूटिलाइजेशन या कोई भी इसका यूज़ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर मैसेज फ्लूड हो रहे हैं या ओवर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेल्फ प्रमोशन एंड ट्रोलिंग आर अ फ्यू टाइप्स ऑफ ईमेल स्पैमिंग। ठीक है, अब जो सेल्फ प्रमोशन है, खुद को प्रमोट करने के लिए किसी को मैसेज भेज दिया, या ट्रोलिंग, किसी को ट्रोल कर रहे हैं हम, किसी के साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, गलत तरीके से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी ईमेल स्पैमिंग के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर सेकंड यहाँ पर एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।